इंस्पेक्शन के लिए आई ईशा के साथ अब राव साहेब और अक्का साहेब ने बड़ी चाल चल दी है। क्या किया है इन दोनों ने मिलकर, हम आपको बताएंगे टीवी विंडो पर। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते ही हैं कि यहाँ पर अब ईशा कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए आ पहुँची है, लेकिन ईशा से पहले ही भोसले परिवार बहुत ज़्यादा जलता है। उन्हें ये बात पसंद नहीं है कि ईशा किसी भी तरीके से उनके परिवार के किसी भी मैटर में शामिल हो। ऐसे में इंस्पेक्शन के लिए आई ईशा से अब राव साहेब बदला लेना चाहते हैं। किस बात का बदला लेना चाहते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। जिस तरीके से आयुष को रस्टिगेट किया गया और उसके पिता मकरन दुर्वे ने अब फंड ना देने की धमकी दी है, इससे राव साहेब यानी कि यशवंत को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये सभी जो है मिलकर ईशा को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर ईशा नहीं होती तो उन पर इतनी बड़ी आफत ना आती, क्योंकि ये ईशा ही है जो ये सब कुछ सभी के जरिए करवा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि किस तरीके से अब जब ईशा आई है तो यहाँ पर राव साहेब ने अब तात्या के जरिए उसे किडनैप करवाने की कोशिश की है, उसे धमकी देने की कोशिश की है। तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर अभी भी राव साहेब और अक्का साहेब की गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। बेकसूर ईशा को वो जिस तरीके से परेशान कर रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ईशा की कोई गलती भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद लगातार ये लोग सब मिलकर उसे ही गुनहगार मान रहे हैं। और अब जब ईशा भोसले इंस्टीट्यूट आई है तो इन सभी को एक मौका मिल गया है उसे तंग करने का, और तात्या को भेज दिया है उसे धमकाने के लिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।